Welcome to SJ Inceptions. I am at the Karnataka Aquarium and it's a fresh new day and बहुत ही calming और comforting weather है कर्नाटका का, बेंगलुरु का, और हमारे साथ सैयद भाईजान है। तो भाई, ये हम फोर्थ वीडियो बना रहे हैं कर्नाटका एक्वेरियम के एक्सोटिक पेट्स के स्टॉक का। आज आप क्या दिखाने वाले हो भाई? मेरे पास अभी अल्बाइनो इग्वाना, जो लुटिनो इग्वाना बोलते हैं, येलो कलर में जो आता है वो इग्वाना है, और ग्रीन इग्वाना है, और बाकी सब इग्वाना है, लेकिन अभी तो मैं ग्रीन इग्वाना और अल्बाइनो इग्वाना बता रहा हूँ। ओके, इसके प्राइस भी बताऊंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे नीचे है सारे इग्वानास। तो सैयद भाई, लास्ट टाइम हमने बड़े बड़े इग्वानास कवर किए थे आपके यहाँ पे, ये सारे बेबीज है आपके पास अभी? हाँ, अभी मेरे पास ग्रीन बेबीज आए हुए हैं भाई। जो ओन ब्रीड भी बता सकते हो आप। ओके, ग्रीन इग्वानास भी है और लुटिनो इग्वानास भी है। सो सैयद भाई, ये बेबी इग्वानास की साइज क्या है भाई? ये बेबी इग्वानास की 8 इंच से लेके 10 इंच तक भी है, और इसमें कोई ऐसी भी साइज है कि 12 इंच तक भी है। ओके, एक फुट जिसको आप बता सकते हैं। इनको क्या, सर से लेके टेल तक इनको मापा जाता है। अच्छा, तो 8 से 10 इंच तक भी है, और इसमें कोई कोई एक दो पीस ऐसे 12 इंच तक भी है भाई। ओके, हाँ। सो बेबी इग्वानास की क्या प्राइस है भाई? बेबी इग्वाना का इसका मैं सेल कर रहा हूँ 9,500 रुपीस ईच पीस। ओके, और अल्बाइनो इग्वाना जो आप ये देख सकते हैं, ये अल्बाइनो इग्वाना है जी, इसका मैं 45,000 रुपीस सिंगल पीस सेल कर रहा हूँ। ओके, और जो ग्रीन इग्वाना है इसका मैं सेल कर रहा हूँ 9,500 रुपीस। ओके, तो इस सब चीज में भाई बहुत, आप इसमें अल्बाइनो इग्वाना में देख सकते हैं, इसके आईज देख सकते हो जी, जी। इसका कलर देख सकते हो आप जी, फुल बॉडी कलर, तो एकदम ये यूनिक और एग्जॉटिक में, और एग्जॉटिक में मिल जाता है ये। राइट, इसके कलर को देख के। और ग्रीन इग्वाना तो नॉर्मल ग्रीन ही है भाई, सब लोगों को पता ही है, क्योंकि हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं ग्रीन इग्वाना का वीडियो जी। तो उसमें ये बेबी है, जो हम लास्ट टाइम पोस्ट किए थे वो थोड़ा बड़े इग्वानास थे जी। तो इसमें ये अभी बेबीज है। तो सैयद भाई, जैसे कि मुझे पेट्स छोटे साइज के, बेबी साइज के लेकर उनको रेस करना बहुत पसंद है, फिशेस भी होते हैं, तो ये साइज बहुत ही बढ़िया है उन लोगों के लिए जिनको बेबीज लेनी है और रेस करनी है, एडल्ट बनानी है, बड़े साइज के बनानी है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस ये चीज में, जिसको बड़ा करना है, रेसिंग करना है, तो जो ये लेकर जाता है कैसे केयर करे उसकी, कैसे डाइट दे उसको? इनकी केयर ऐसा कुछ नहीं है, आप इसका सेटअप आप एक बार बता सकते हो सभी को, क्योंकि ये सेटअप पे मैं ऐसे बनाया हुआ हूँ, अगर वो ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो ऊपर चढ़ सकते हैं। एक फीडिंग सिस्टम बनाया हुआ हूँ इसमें मैं सेपरेट, बस न्यूज़पेपर डाला हुआ हूँ नीचे भाई। लेकिन इनको ये थोड़ा क्या है, बहुत एक्टिव रहते हैं बच्चे जो रहते हैं, ये बहुत एक्टिव रहते हैं, इसलिए मैं इसको एक डोर बनाया हुआ हूँ। आप इधर देख सकते हैं, ऐसा डोर बनाया। तो ऐसी लेड जरूरी है? लेड ऐसी 100% है, लेकिन आप अगर ग्लास नहीं लगा रहे हो तो मेश लगा सकते हो। मैं मेश नहीं लगा सकता क्योंकि शॉप है मेरा। अच्छा, बहुत बदलानी, चेंज करनी पड़ेगी। अगर कोई एक दो पीस पाल रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है मेश लगाने के लिए जी। ओके, और बेबी इग्वानास की भाई, लास्ट टाइम हमने जो बातचीत की थी बड़े इग्वानास के बारे में, बेबी इग्वाना को भाई क्या फूड देना चाहिए, कितने बार देना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से बढ़े, अच्छी ग्रोथ पकड़े वो भाई? इनको धनिया दे सकते हैं जी, पालक दे सकते हैं, और कैरेट दे सकते हैं, छोटा छोटा कैरेट हो गया, शलगम जिसको बोलते हैं। ओके, ऐसे शलगम दे सकते हैं, बहुत कुछ अब फ्रूट, एप्पल वगैरह दे सकते हैं जी, जी, जी। ये सब खा लेगा भाई इग्वाना, सब कुछ फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, सब वेजिटेबल्स खा लेगा ये। ओके, लेकिन इनको बहुत लोग ये समझते हैं कि ये दिखने में अगर ड्रैगन जैसा दिख रहा है जी, तो ये बहुत कुछ खा लेंगे, जैसे कि चिकन मटन जी, जी। ये ऐसे सब चीज नहीं खाते हैं। अच्छा, पहले बता दूं, क्योंकि अगर ऐसे चीज खाना चालू भी कर दिए तो इनकी एज 45 ईयर से जाके डायरेक्ट आपको एक ईयर तक आ जाएगी। अच्छा, मतलब ये बहुत जल्दी मर जाएंगे। ओके, तो ये सब उनको खिलाना नहीं चाहिए। अच्छा, और पानी इनको भाई कितने बार देना चाहिए, कैसे प्रोवाइड करना चाहिए भाई? अगर आप पानी 3 से 4 दिन में एक बार भी इनको पीने के लिए पानी दे रहे हैं, काफी है जी जी। क्योंकि रेप्टाइल वगैरह जो रहते हैं, इनको फॉरेस्ट वगैरह में बहुत कम ही पानी मिलता है। अच्छा, बस जो ये पत्ते खाते जो है उस पे जो स्प्राई सिस्टम रहता है, जैसे कि बारिश पड़ा हुआ है, नाइट का फॉग पड़ा हुआ है, बस वो उसको खा के जीते हैं। ओके, पानी इनको अगर मंथली वंस भी मिल रहा है तो तभी ये बिल्कुल जितना चाहिए उतना पानी
पी लेते हैं तो okay. इनको पानी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2-3 days में एक बार अगर पानी दे रहे हैं तो अच्छा है okay. नहीं तो अगर आपके पास बड़ा सा इंक्लोजर है इनके लिए, एक्चुअली जो आप गूगल सर्च करेंगे 8 feet by 8 feet का एक पेड़ के लिए इंक्लोजर आता है okay. अगर आप उस हिसाब का इंक्लोजर बना रहे हैं, उसमें अगर आप पॉन्ड बना रहे हैं ताकि ये पॉन्ड में भी जाके स्विमिंग कर सके, क्योंकि इगुआना जो रहता है बहुत प्यारा स्विमर रहता है, बहुत खूबसूरत स्विम करता है ये, तो उसके लिए आप अगर पॉन्ड भी बना रहे हैं उसके अंदर तो बहुत अच्छा रहेगा जी। तो भाई ये बेबीज इगुआनास है, तो केयर के रिगार्डिंग एक बात पूछना चाहूँगा कि बेबीज जो रहते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव रहते हैं, हमारे यहाँ पे इंडिया में मुंबई हो गया बेंगलोर हो गया टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, एक समान टेम्परेचर नहीं होता है, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, तो ऐसे हालातों में क्या यूवी लाइट कब लगानी चाहिए, कितने हार्श लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए? 100% आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर इगुआना लेने से पहले अलग अलग क्वेश्चन पूछ के बहुत हमें ये कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इगुआना एक्चुअली कोल्ड ब्लडेड है जी। इगुआना को कभी भी आप यूवी भी लाइट लगा के रखेंगे तो अच्छा है, अगर आप पूरा दिन नहीं लगा रहे हो तो बस एवरीडे 4 hours अगर आप यूवी भी लाइट लगा रहे हो ना भाई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इगुआना कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल रहता है, उसको जब यूवी भी मिलता है ना तो ये जितना खाना खाता है उसका 50% कैल्शियम प्रोटीन सब उसको यूवी भी लाइट से ही मिलता है okay. तो यूवी भी लाइट इज कंपलसरी फॉर रेप्टाइल और रेप्टाइल, सिर्फ okay. इगुआना के लिए नहीं सभी रेप्टाइल के लिए okay. और मैंने भाई कुछ बड़े इगुआनास देखे हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर केयर और अगर राइट केयर नहीं ली गई तो इनकी ये जो स्किन है अभी हम देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बहुत ही चमक रही है ग्लो कर रही है, ऐसी स्किन अगर लोग लापरवाही से रखते ठीक से रख नहीं पाते तो स्किन थोड़ी सी फेडेड हो जाती है, तो स्किन ऐसी रहे चमकदार रहे प्यारी रहे उसके लिए क्या प्रिकॉशंस ले कैसी केयर ले वो कि स्किन ऐसी रहे? भाई इसको जैसे कि मैं बता रहा था स्विमिंग अच्छा है, अगर स्विमिंग पूल नहीं है कोई उतना अफोर्ड नहीं कर सकता तो इसको एक बकेट में डाल के इसको पानी में सोक करते एवरी वीक ओके। इसको पानी नहीं ला सकते, जो इसके ऊपर के जो कांटे आते हैं ना जैसे बड़े इगुआना में कांटे आते हैं वो सब आपको स्ट्राइट रहेंगे, अगर आप इसको स्विमिंग नहीं करा रहे हो या फिर ये ऐसे ही लाइक वाइल्ड कॉट में जैसे पल्ला बढ़ता है अगर आप वैसे रख रहे हो तो ये पूरे कांटे एकदम सो जाएंगे, तो इसकी खूबसूरती उधर ही आधी मर गई है ओके। मैं थोड़ी देर के बाद मेरा मोहंटो भी बताऊंगा जो अच्छा। मैं मेरे खुद के घर पे पाला हुआ हूँ, आप उसको भी देख के कंपेयर कर सकते हैं कि थोड़े बहुत लोग कैसा पालते हैं और कैसा रखते हैं। मैंने भी बहुत सारे कस्टमर से यही सेम क्वेश्चन पूछा है जी। इसको मेन रहता है यूवी भी लाइट जो कंपलसरी है, यूवी भी लाइट देने से भाई इसको कुछ नहीं होता है ओके। यूवी भी लाइट देने से इसको कुछ नहीं होता। अच्छा तो भाई जैसे हम जो भी पेट हो गया या बर्ड हो गया जब एनक्लोजर में रखते और कीपर्स अगर प्रॉपर वे में उसे रख नहीं पाते जैसे कि वो वेस्ट जनरेट करता है वेस्ट प्रोड्यूस करता है तो टाइम टू टाइम अगर केज को या एनक्लोजर को क्लीन नहीं किया तो हेल्थ कंडीशंस आती है बीमारी पकड़ती है, इनके केस में जैसे बर्ड्स का तो रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है स्प्रे करना पड़ता है, इनके केस में एनक्लोजर को कब टाइम टू टाइम साफ किया जाए इनकी गंदगी को निकाल दी जाए ताकि वो जो अमोनिया है उनके वेस्ट का ये इनके ऊपर ना आए और इनको कोई हेल्थ कंडीशन सफ़र ना करने पड़े? और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये जब क्वांटिटी में रहते हैं तो ये हमारे को डेली क्लीन करना पड़ता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, बहुत सारे बर्ड कीपर्स जो है इसके वजह से क्या है उनके बर्ड्स डिजीज फेस करते हैं क्योंकि जो वेस्ट वो लोग प्रोड्यूस करते हैं वो उनको साफ नहीं करते टाइम टू टाइम, लापरवाही करते हैं या टाइम नहीं मिलता है उनको, इसलिए जो गंदगी रहती है इंक्लोजर में केज में उसके वजह से बर्ड्स के ऊपर उस जीव के ऊपर बहुत परिणाम होता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि साफ सुथरा कैसे रखे कब टाइम टू टाइम क्लीन करे वो? भाई हो सके तो डेली क्लीन करना बहुत अच्छा है। अच्छा। क्योंकि जो रेप्टाइल आजकल इंडिया में हॉबी बढ़ रही है जी। इस हिसाब से मैं बता दूं जो भी बहुत इनको दिल से पसंद करता है ये पहली बात तो वही खरीदते हैं, सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत लोग तो इनको डर के भागते भी हैं, तो अगर ये कोई ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके क्लीनिंग को तो बहुत ध्यान रखेंगे जी, जी। इतना मेरा बोलने का मतलब है ये बहुत अगर डेली क्लीन कर सकते हो तो डेली क्लीन भी कर सकते हैं नहीं तो अल्टरनेटिव डे भी क्लीन कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, अल्टरनेटिव डे भी क्लीन कर सकते हैं ओके। लेकिन इनको डेली क्लीन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई ओके। सईद भाई एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी भी बहुत से लोग डरते हैं, बहुत लोगों को रखना है इनको फिर भी डरते हैं, एक कन्फ्यूजन है उनके माइंड में लीगल है या इलीगल है, कहाँ से आता है कहाँ पे ब्रीड होता है इसके बारे में, ये अब मैं चाहूँगा लास्ट वीडियो में तो हमने हालांकि बताया था इसके बारे में पर फिर भी हमारे नए सब्सक्राइबर्स को या जिन्होंने आपका वीडियो नहीं देखा है उनके लिए क्लियर कर दीजिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि लीगल है ये कैसे है सेफ टू कीप है
कुछ दिक्कत नहीं है रखने में? देखिए, इनको रेप्टाइल को जो अभी मैं हाथ में लेके बैठा हूँ, ऐसे रेप्टाइल्स को क्या है, पहली बात तो इल्लीगल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. ओके. क्योंकि ये हमारे इंडिया को बिलोंग ही नहीं करते. ओके. इंडिया में जो रूल्स बनाए गए हैं वो इंडियन एक्ट के तहत बनाए गए हैं, तो वो इंडिया के एनिमल्स को ही वो रूल्स निभाया जाता है. ओके. ये सब एग्जॉटिक एनिमल हैं, तो ये बाहर के जब बाहर से इम्पोर्ट हुए थे तो उनके सभी पता नहीं कौन पेरेंट है वगैरह वगैरह. okay. ये सब इंडिया में आके ब्रीड होते हैं. okay. जैसे कि अभी मैं आपको बताया, ये खुद की ब्रीड आप मान सकते हो जी. तो ये खुद घर के बच्चे हुए हैं. okay. तो इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है इल्लीगल रहे या फिर कोई ऐसी चीज है नहीं. okay. 100% लीगल है. अगर कोई इनको ऐसे पालने में डर रहा है ले सकता है. इल्लीगल को सोच के कोई इनको खरीद नहीं रहा है. तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनका डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन आप इसको करा सकते हो. गवर्नमेंट का एक ऐप है, जिसको भी चाहिए तो मैं बता दूंगा. तो उस पर जाके आप डिक्लेयर कर सकते हो. वो घर पे इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, आपके पास सही में इगुआना है या ऐसे में झूठ में आप करा रहे हो, इंस्पेक्शन के लिए आएंगे. अगर आपके पास इगुआना है तो आपके नाम पे रजिस्टर करा देंगे. जैसे कि गाड़ी ट्रांसफर होती है, टू व्हीलर लो या फिर कार लो, अपने नाम पे जैसे करा के देते हैं, वैसे गवर्नमेंट अभी ये करा के दे रही है. क्योंकि अभी नॉर्मल पेट्स को तो सभी लोग भूल गए, एक्जॉटिक पेट पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं अभी पब्लिक. okay. तो इस वजह से वो सेल्फ डिक्लेरेशन भी आया हुआ है. ऐसे कोई इल्लीगल चीज है नहीं, लीगल. ओके. okay. okay. सैयद भाई, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि मैंने ऐसे सुना है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, अभी आपके जरिए क्लैरिफाई हो जाएगा कि सही है कि नहीं, कुछ लोग इनको कंटिन्यूसली एनक्लोजर में रखते हैं और केज के अंदर रखते हैं या जो भी उनका सेटअप है उसके अंदर रखते हैं, इनको हाथ पर लेते नहीं है, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते. तो मैंने ऐसे सुना है कि देर आर चांसेस कि ये वाइल्ड हो जाते हैं या ओनर से दूर हो जाते हैं. तो कितनी सच्चाई है इस बात में कि अगर ओनर रखेगा नहीं, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, तो क्या ये वाइल्ड हो जाते हैं, क्या ये ओनर से दूरी बनाते रहते हैं? 100% वाइल्ड हो गए भाई. क्योंकि जब इनको हाथ में लेते रहोगे तो ये आपकी स्मेल को ऑब्जर्व करते रहेंगे. इनको पता चलेगा कि भाई आप इनके ओनर हो, जो इनको डेली खिलाते हो या फिर इनके साथ खेलते हो. आप एक दो महीने आप इनको केज में रख दिया, अचानक से जाके हाथ डालेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी जानवर हो वो काटेगा ही. जैसे कि आप एक कुत्ते को रख लीजिए, आप इनक्लोजर में ही उसको पला बड़ा कर रहे हो. जब बड़ा हो गया तो अचानक से जाके भाई बच्चे में मैंने इसको टच किया था तो अभी बड़े में कुछ नहीं करेगा, ऑब्वियसली काटेगा वो. सेम एज इट इज रेप्टाइल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, आप जब खरीद रहे हो तो इनके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना चाहिए. अगर एवरीडे आप 24/7 इनको टाइम नहीं देना चाहते, भाई ऑब्वियसली उतना तो टाइम मैं भी नहीं देता हूँ एनिमल्स को. एक दिन में अगर हाफ एन आवर भी किसी के साथ आप खेल रहे हो ना, तो इनका दिल बहुत अच्छा बहल जाएगा. क्योंकि हम लोग इनको वाइल्ड कॉट से पेट बना रहे हैं, तो पेट जब बना रहे हैं तो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं. तो वो एंटरटेनमेंट को एक साइड में रख के आप इनके साथ एक दोस्ती कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा भाई. सही बात है. तो मतलब अगर कोई इन्हें खरीदता है तो टाइम टू टाइम इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बॉन्डिंग क्रिएट करनी चाहिए. सही बात है भाई, समय इनको देना चाहिए. और भाई दोबारा भाई प्राइस बता देंगे ग्रीन की और इसकी. भाई जो येलो आपको दिख रहा है ये 45,000 रुपीस ईच पीस है. ओके. और ग्रीन इगुआना है 9,500 रुपीस ईच. ओके. और कब हम दिखा देते हैं आपका जो बड़ा इगुआना है वो दिखा देते हैं हमारे व्यूअर्स को. ठीक है भाई. सो ये रहा आपके सामने सैयद भाई का जायंट अडल्ट इगुआना. आप इसकी साइज देख सकते हो और इसकी टेल की लेंथ देख सकते हो, कितना बड़ा ह्यूज एंड हेल्दी इगुआना. ऐसा इगुआना फर्स्ट टाइम मैं लाइव देख रहा हूँ आंखों के सामने, इतना खूबसूरत बड़ा सा इगुआना. और ये नॉर्मल ग्रीन इगुआना नहीं है. कौन सा इगुआना है भाई, क्या साइज है, क्या उम्र है इसकी? कलर का इगुआना है. ओके. ये अभी इसके अराउंड 6 फीट तक हाइट चले गई है. ओके. सॉरी लेंथ, हाइट नहीं. जी जी. इसकी लेंथ 6 फीट तक चले गई है. और इसका नाम है मोहंटो. ये पर्सनल इगुआना है, ये एज ए सेल प्रपोज नहीं है. ओके. ये पर्सनल इगुआना पाला गया है बहुत छोटे से. ओ हाँ. तो जब ये बेबी था तब आप लाए थे भाई? हाँ, तब से रख रहे हो. जितना मैं आपको 8 इंच का भी इगुआना बता रहा था, सेम साइज का था ये. ओके. 8 इंच उस टाइम पे था, अभी 6 फुट का हो गया है. हाँ, आप देख सकते हो का हो गया है. इसको लगभग 3.5 साल अभी गुजर गए. ओ ऑसम. आप देख सकते हो इसकी स्पाइक्स भी पूरी शार्प एंड इरेक्ट है एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे मेंटेन किया गया है. ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है. एंड ये देख सकते हो आप इसका फेस, सो डैम ब्यूटिफुल. सो भाई ऐसे अगर किसी को इतना बड़ा करना है, आपके जैसा खूबसूरत बड़ा हेल्दी इगुआना करना है,
उनको, तो बस जैसे आपने बताया था यूएवी लाइट केयर डाइट उसके ऊपर फोकस करना है, दो तीन साल या चार साल तक हो जाएगा। मैं इसको बता दूं कि यूवीबी लाइट मैं इसको अभी तक दिया नहीं हूं। ओ, बिना यूवीबी के रेस किया आपने? नहीं भाई, मैंने अर्ली मॉर्निंग में बस इसके लिए उठता था कि नेचुरल सनलाइट सनलाइट मिल पाए, नेचुरल बास्किंग। हाँ, नेचुरल बास्किंग देता था मैं इसको, इसी के वजह से मैं अर्ली मॉर्निंग बहुत जल्दी उठ के इसको नेचुरल बास्किंग देता था। ओ राइट, सो ऐसा भाई बड़ा भी किसको चाहिए तो अवेलेबल हो सकता है भाई? कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं है, मना नहीं है, मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन प्लीज मैं अगेन मैं इसको बता दूं, ये सेल के लिए नहीं है, इसको आप प्राइस भी मत पूछिए। जी जी, जो भी सब्सक्राइबर आप देख रहे हो इसका प्राइस मत पूछिए, ये सेल के लिए नहीं है। आपको अगर चाहिए तो ऐसा इग्वाना मैं अरेंज करा दूंगा, जरूर अरेंज करा दूंगा। ऑलराइट, सो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेस वीडियो, जहाँ पर जिसमें हमने आपको बेबी इग्वानास दिखाए और अंत में ये शानदार खूबसूरत बड़ा जायंट अडल्ट इग्वाना दिखाया जो सैयद भाई का पर्सनल कलेक्शन है। ऑलराइट सैयद भाई, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर अगले वीडियो की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।